because today the women power against corruption has begun. And you are going to carry that torch. The journey against corruption has begun. Now I'm going to explain to you today's my presentation, my lecture, whatever you call it, is going to focus on what is the meaning of women power against corruption. How can women change the destiny of our country? A lot of women, because this concept was initiated a couple of years back, and I'll be honest that most of the things that come in my mind, suddenly I like to say that God has put this idea in my mind. So here also I'd like to say that a lot of women lately have been asking me, please explain to us, we are women, we sit at home, we are like, it's a man's world, how can a woman power change the destiny? I'll explain to you, but let me begin first by giving you a very motivating example. I mostly begin my lecture by telling the girls that one mother you all know, हमारी एक मदर है जिसको कोई मामा कहता है, कोई माँ कहता है, कोई अम्मी कहता है, कोई मॉम कहता है, और ये दुनिया का सदियों से ही चल रहा है कि हर एक की एक मदर होती है. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी दो मदर्स हैं, टू मामास. वन मदर इज द वन हु गेव अस बर्थ, जो हमारी बायोलॉजिकल मदर है, और एक हमारी माँ है पाकिस्तान. और एक और मैं आपको बात बताऊँ कि हमेशा से ये बात आप सुनते आते हो और हम ये बात इस पर डिस्कस करते हैं कि डॉटर्स आर रियली गुड टू द पेरेंट्स. एक घरों में मिसाल दी जाती है कि जो लड़कियां जिस तरह माँ बाप की खिदमत करती हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, उस किस्म की खिदमत जो है वो बॉयज नहीं करते हैं. गर्ल्स इवन वेन दे गेट मैरिड, इवन वेन दे आर ग्रैंड मदर्स, आई हैव सीन वुमेन हु हैव चिल्ड्रन ग्रोन अप एंड दे स्टिल आर सो डिवोटेड टू देयर मदर्स. तो इसी तरह अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है दैट पाकिस्तान इज अ मदर, और आप बच्चियों ने अपनी माँ की खिदमत सबसे आगे बढ़ चढ़ के करनी है अगर आपके रिसोर्सेज भी नहीं है. आपको बहुत सी मैं एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ इस पर, लेकिन वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर. अब थोड़ा सा एक और इनकरेजिंग बात करनी है बिफोर आई बिगिन माई फॉर्मल प्रेजेंटेशन. डू नॉट डिस्पेयर, डू नॉट फील सैड. करप्शन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, करप्शन पूरी दुनिया का मसला है. और आई कैन गिव यू लॉन्ग लॉन्ग एग्जाम्पल्स के रिसेंटली गोतेमाला का प्रेसिडेंट है, उसने रिजाइन किया करप्शन चार्जेस पे. चाइना विच इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री इन द वर्ल्ड, उनके जो टॉप लीडर्स हैं पिछली गवर्नमेंट के, दे हैव बीन गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिकॉज ऑफ करप्शन चार्जेस. इजिप्शियन प्रेसिडेंट इज फेसिंग 3 years इम्प्रिजनमेंट ड्यू टू करप्शन चार्जेस. एक इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, ही इज फेसिंग सम वेरी सीरियस करप्शन चार्जेस. मकाओ का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो मेंबर है उसको कुछ अर्से पहले रिजाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ करप्शन चार्जेस. फीफा स्कैंडल, फुटबॉल जो है पूरी दुनिया जो है फुटबॉल की क्रेजी है, इट हैज रॉक द होल वर्ल्ड. द फीफा करप्शन स्कैंडल हैज शेकन द होल पिलर्स ऑफ द होल स्पोर्ट्स सिस्टम. उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका इज रॉट विद करप्शन एंड आवर नेबरिंग कंट्री. बट अगेन आई रिपीट कि पाकिस्तान क्योंकि हमारी माँ है तो हम सब ने डॉक्टर का किरदार अदा करना है अपनी मां को इस बीमारी से निकालने के लिए. माय डियर लेडीज, ऑल रिलीजियंस कंडेम करप्शन. दिस इज द बेसिस ऑफ माय लेक्चर, दिस इज द बेसिस, द बैकग्राउंड, द होल एसेंस ऑफ से नो टू करप्शन इज दैट ऑल रिलीजियंस इंक्लूडिंग आवर रिलीजन, गॉड कंडेम्स करप्शन. गॉड डज नॉट लाइक करप्टर्स. इन एवरी सेकेंड आयत ऑफ कुरान गॉड हैज said in very serious words that he is, does not like corruption. So my first slide, Quran ki surah Nisa mein 29 verse mein likha hai, O you who have believed, do not consume one another's wealth unjustly by corrupt, unfair and illegal means, but only in lawful manners by mutual consent. Uske baad Bible कहता है, they promised them freedom, but they themselves are slaves of corruption. For whatever overcomes a person, to that he is enslaved. Torah, this is what's mentioned in the Torah. Do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twist the word of the innocent. Bhagavad Gita, which is the holy book of the Hindus, that says, earning money by unethical routes, such as taking bribe, giving bribe, or indulging in corruption of any type,
cheating, deception, etc. are all classified as devilish acts done out of lack of janana. Such people, God classifies them as naratamas. The messenger of Allah, Holy Prophet, peace be upon him, curse the one who gives a bribe and the one who takes it. And my dear girls, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, in his first Constituent Assembly address on 11th August, this is what he had to say. One of the biggest curses from which we are suffering, I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse, is bribery and corruption. That really is a poison. We must put it down with an iron hand. Let me say for a few more words which I was thinking I'll say later. You all have to prevent your family members from corruption. And I'm going to say another thing to all of you. I pray that each one of you find a lot of happiness in your future life. I know that in the longer run, you are going to be future bureaucrats, you'll be diplomats, you're going to be DG of so many organizations, you'll also be sportswomen. But at the same time, I also pray that you become very happy as housewives. You find a lot of happiness as mothers, and you have the most obedient and most brilliant children. In that capacity, your role will begin. You are going to be the future mothers. Aap mustaqbil ki maaye ho. Aap mustaqbil ki biwiyan ho. Aap sabse main baat ye kahungi, jisko sun ke aap hansenge thoda sa, ki jis din aapki shaadi ho, us din aap apne husband se ek vaada le lijiyega. Ki ek aunty aayi thi, ek aapa aayi thi, jinhone hume ye samjhaya tha ki Pakistan hamari maa hai. और आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप सारी लाइफ जो है से नो टू करप्शन करेंगे और आप सारी लाइफ जो है मुझे और मेरे बच्चों को ऑनेस्ट पैसे से जो लेके आएंगे मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, मैं आपको कभी अंडर प्रेशर नहीं करूंगी. मैं आपको एक बात बताऊं माय डियर डॉटर्स, माय डियर गर्ल्स, कि आपके नसीब में जो लिख दिया अल्लाह ने वो तो लिख दिया है. आपको पता है कि हम खातीन, आप तो अभी यंग गर्ल्स हो, बट बहुत से घरों में ऐसा होता है कि काफ़ी खातीन जो है ना दानिस्तगी में, मासूमियत में अपने हस्बैंड से कई दफ़ा गिला करती हैं कि जी आपके पास छोटी कार है, हमारे नेबर्स हैं उनके पास तो इतनी बड़ी कार है, आप जो हैं आपके पास छोटा सा टीवी है हमारे घर में, उनके पास तो बहुत बड़ा टीवी है, वो जी मेरी फलां फ्रेंड है उन्होंने तो इतना बड़ा कोठी बना लिया तो आपने क्यों नहीं बनाया. तो मैं आप सबसे एक बात कहूँगी जी कि जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया है, जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया है वो चेंज नहीं हो सकता. और आपको मैं बताऊं एक बात कि दौलत जो है उसको कभी इम्पोर्टेंस ना देना. दौलत को इसकी इम्पोर्टेंस ना देना कि हम जिंदगी में सबसे ज़्यादा अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, हम सब कुछ अल्लाह को देख रहे हैं कि अल्लाह ने हमें क्या समझाया, अल्लाह ने हमें क्या डायरेक्शन दी. आप सोचिए कि दौलत की इम्पोर्टेंस अल्लाह ने कितनी कम की है. जब इंसान एक मरता है तो वो कब्र में एक कपड़े में लिपट के जाता है. कभी अल्लाह ने ऐसा कहा कि अपना आईफोन 7 भी लेके जाना, अपनी लेटेस्ट मर्सिडीज कार भी जाएगी कब्र के अंदर, आपके गोल्ड बैंगल्स भी जाएंगी, आपकी डायमंड की ज्वेलरी भी जाएगी? नो. तो इससे ये क्लियर हो गया है कि अल्लाह की नज़र में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, हमने दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनना हमारी ज़िंदगी का मकसद है. मैं आपको ये आज कहने के लिए नहीं आई कि मैं बहुत ग्रेट हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी कन्विक्शन से, यकीन से कह सकती हूँ कि कुछ सालों से, क्योंकि अल्लाह के फजल से हज भी किया कुछ साल पहले, तो कुछ सालों से ज़िंदगी का एक मकसद ज़रूर बन गया है. कि मेरी ज़िंदगी का इस वक्त ये मकसद नहीं है कि मैं बहुत, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, कि मुझे बहुत बड़े ओहदे चाहिए. मेरी लाइफ का एक मकसद है कि मैंने दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनना है. और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अगर हम ये काम शुरू कर दें, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान किस तरह बन सकते हैं, रोज़ रात को अपनी अकाउंटेबिलिटी करें. मैं आपको बताऊँ करप्शन इस तरह नहीं ख़त्म होगी अगर मैं आपको बुरा भला कहूँ, आप मुझे कहें कि जी आप, हम सब ने अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करनी है. हम सब ने अपने जो अंदर हमारे है, वी हैव टू पुट आर ओन हाउस इन ऑर्डर. हमने अपने जमीन को परफेक्ट करना है. मैं रात को सोने से पहले, कुछ सालों में ये मेरे लाइफ का एक रूटीन बन गया है कि रात को नमाज के बाद मैं 10 मिनट अल्लाह से बात करती हूँ, अल्लाह से पूछती हूँ कि अल्लाह आज मुझे बता, मैंने कोई गलत काम किया, कोई आज गलती हो गई, कुछ मुझे आप बताएं. आप यकीन करें रोज़ाना कभी ना कभी, अगर किसी दिन कोई गलत काम नहीं किया होता मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता, लेकिन कभी कुछ भी गलत होता है तो फौरन, अरे ना दानिस्तगी में आपने उसके पीठ पीछे कोई बात कर दी, आपने ना दानिस्तगी में
अब मेरी किताब में आपने अगर चलते हुए किसी कीड़े पे भी पांव रख दिया तो वो भी गलत किया है, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है किसी को भी तकलीफ पहुंचाने का। तो आपने अपना अपना आज के बाद, इस कमरे में शायद 200 लड़कियां, लेकिन आप जो मेरी बात सुन रही हैं ये आगे भी पहुंचाइएगा कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनना आपकी लाइफ का मकसद होना चाहिए। महंगे कपड़े पहनने से या महंगी ज्वेलरी पहनने से या लेटेस्ट मोबाइल होने से कोई इंसान की ग्रेटनेस नहीं बढ़ती। आपने जिंदगी में आपने बड़े बड़े काम करने हैं, आपने आगे जाके बड़े मुल्क के लिए कारनामे करने हैं। आप ये याद रखिएगा कि जो दिलों की इज्जत है ना, जो दिलों की इज्जत है उसको हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। जो ओहदे होते हैं ना, जिन लोगों के पास, मैं जिस कागज के ऊपर एक डीजी हूँ, लेकिन डीजी की कोई अहमियत नहीं। अगर डीजी की अहमियत होती तो कुरान में अल्लाह ने लिख दिया होता ना कि जिसके पास बड़ा ओहदा होगा, जो ग्रेड 21 या 22 का अफसर होगा, वो मेरी नजर में अच्छा है। मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छा जो अल्लाह की नजर में इंसान है, वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, शायद सड़क पे एक भिखारी जो बैठा होता है जिसने मैले कपड़े पहने होते हैं, शायद वो अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा डीजी हो सकता है, जन्नत में वो डीजी हो। तो अच्छा इंसान बनना हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए, साफ सुथरा रहना जिंदगी का मकसद होना चाहिए। रोज आप अपने आप को बाल शाल, अपने कंघी रखें, फेस आपका वॉश होना चाहिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और किसी की कभी गिबत ना करें, दोस्ती निभाएं। आपके साथ अगर कोई फ्रेंड है आपकी, वो आपको कोई सीक्रेट बताती है, आप उस सीक्रेट का मान रखना, ये आपकी ग्रेटनेस होगी। और ये गलती से, नादानिस्तगी से हम जो है प्लेजराइजेशन करते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप अपनी सच्चाई, अपनी ऑनेस्टी को उस लेवल पे ले आएं, अपनी सच्चाई को और अपनी ऑनेस्टी को उस लेवल पे लेके आएं कि आज समझे आपका कल पेपर है, कल आप समझे आपका एग्जामिनेशन है। आज आपको कोई फोन करता है और कहता है कि भाई कोई जादू से हमें क्वेश्चन पेपर मिल गया है। अब आपकी सच्चाई, अब मैं जब छोटी थी तो ये एग्जाम से पहले हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि कोई तरीका हो जाए मुझे ख्वाब में क्वेश्चन पेपर नजर आ जाए, ऐसा ही होता है ना, कोई पता चल जाए। तो मैं आपकी ऑनेस्टी का आपको ये बताती हूँ कि आज ये करके देखें कि आज मैं आपको कहती हूँ कि अगर अपनी ऑनेस्टी को उस लेवल पे लेके जाएं कि आज आपको कोई टेलीफोन करता है, हेलो जी आपके क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने ला रहा हूँ, कोई क्वेश्चन पेपर ले भी आए तो उसका देख लेना कि नहीं, मैं सच्चाई के 40 नंबर लेना पसंद करूंगी बजाय कि चीटिंग के 90 नंबर। तो इस तरह से आपने सच्चाई के रास्ते पे चलना है। तो पिछली स्लाइड पे चले जाते हैं। आप क्योंकि यूथ हैं, ये मैं आपके लिए कुछ कोट्स लेके आई थी, इनको आप जरा बड़ा दिल पे उतार लें, इन कोट्स को। बीइंग ऑनेस्ट मे नॉट गेट यू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट इट विल ऑलवेज गेट यू द राइट वंस, ये जॉन लेनन बड़ा फेमस म्यूजिशियन है, उसने कहा है। द ड्यूटी ऑफ यूथ इज टू चैलेंज करप्शन। वी नो दैट द बिगेस्ट डिजीज ऑफ ऑल इज नॉट अ डिजीज, इट्स करप्शन। द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस नॉट बिकॉज ऑफ दोज हु डू ईविल बट बिकॉज ऑफ दोज हु लुक ऑन एंड डू नथिंग। ये बात आपकी अभी फ्रेंड ने भी बड़ी अच्छी बोली थी। अब आते हैं करप्शन की तरफ। पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है करप्शन करप्शन, मैं भी लेके आई हूँ बोर्ड से नो टू करप्शन, लेकिन आपको पता है कि आप में से भी बहुत लोगों को नहीं पता। जब मैं आपकी एज में थी मुझे तो नहीं पता था एग्जैक्टली करप्शन होती क्या है। तो अभी मैं आपके लिए एक स्लाइड बना के लाई हूँ जिसमें आप एक नज़र देख लो कि ये करप्शन है, क्योंकि आपने शादी के दिन अपने हस्बैंड से ये वादा ले लेना है कि मैं आपको बता रही हूँ कि करप्शन का मतलब है ब्राइबरी, फ्रॉड, misuse of authority, nepotism, embezzlement, cheating और extortion। ये इतना और से इसको समझ लें। और उसके बाद आप जो है अपने अपने घरों में आज के बाद चेयरमैन नैब बन गई है, आप चेयरमैन नैब है अपने घरों में। अभी तो आपकी शायद मैरिज नहीं हुई है, अपने घर में किसी फैमिली मेंबर को करप्शन कभी ना करने देना, इस बात का आज आप अहद कर लें। यू विल प्रिवेंट योर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम करप्शन। और जब इंशाल्लाह आप मदर्स बनेंगी तो आपकी लाइफ का मकसद होगा कि जब आपके बच्चे होंगे तो छोटी सी एज में अपने बच्चों को बताने लग जाना, माई डियर चिल्ड्रन यू आर टुमारो ऑफ पाकिस्तान, यू आर द फ्यूचर कस्टोडियंस ऑफ पाकिस्तान। आपने अपनी माँ पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है और मुझे फख्र होना चाहिए अपने बेटे या बेटी पे कि वो बड़ा होकर हर सांस में बोलेगा से नो टू करप्शन, खुद भी करप्शन नहीं करेगा और किसी को भी करप्शन नहीं करने देगा। ये आज के बाद आपका वादा है। और जो आगे आज के बाद आप ये तबलीग करेंगे, आप 200 लड़कियां, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये पैगाम जो है 200,000 लड़कियों तक पहुंचा दें। आपको ये पिक्चर्स मिलेंगी, इनको आप वायरल करें, से नो टू करप्शन। अब ये कुछ कोट्स हैं और ये आपके दिल को जो है ना लगने भी चाहिए और इनको आप हमेशा के लिए याद कर लें। जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को काफी समझे वो जिंदगी में कभी भी मोहताज नहीं हो सकता। रिज़्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो क्योंकि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाला मौत हो।
Don't be impressed by money, followers, degrees, and titles. Be impressed by kindness, integrity, humility, and generosity. Next. My dear girls, see what's written here. Happy people focus on what they have. Unhappy people focus on what's missing. You should be happy. You should be happy. What God has given you, be contented with that. Once you get married also, you're the future mothers, your future housewives. Be contented with what you have. Because eventually, there's a 6-foot grave waiting for each one of us. And the real life begins after we die. This life is an exam. Yeh zindagi ek aazmaish hai. Har ek ka apni apni jagah imtihan ho raha hai. और आप मैं आपको एक बात बताऊं कि सच्चाई की जिंदगी पे जो इंसान चलता है उसको सारी जिंदगी बहुत सुकून मिलता है. आपने सारी जिंदगी जिस चीज की कोशिश करनी है पीस हासिल करने की, सुकून हासिल करने की. जो इंसान गलत काम करता है उसको जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलता. उसको इस जिंदगी में भी अल्लाह तकलीफ पहुंचाता है और अगली जिंदगी में तो खैर उसका हिसाब होगा. ये चीज सुने ये आपको, मुझे, मैंने जब ये पढ़ा था तो मेरे आंसू निकल आए थे. पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सब कुछ भुला दो. वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सब कुछ छोड़ दो. मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो. और अल्लाह सिर्फ इतना कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो, मैं सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा. नाउ दिस इज द की वर्ड. आपकी लाइफ का मकसद होना चाहिए कि हर सांस में, हर जिंदगी के कदम लेने से पहले अल्लाह को खुश रखें. हर वो काम करें जिसको अल्लाह ने कहा है कि मुझे पसंद है, और हर वो काम ना करें जो अल्लाह को नहीं पसंद. नाउ दिस वन. आई वोक अप टुडे. आई हैव क्लोथ्स टू वेयर. आई हैव रनिंग वाटर. आई हैव फूड टू ईट. लाइफ इज गुड. आई एम थैंकफुल. व्हाट्स मिसिंग? Now girls, this is again the same thing. Seek respect, not attention. It lasts longer. Everything you are now will decompose after you die. Why so much pride? So much greed? So much evil? So much ego? For what? Now my dear girls, this is important also. इससे पहले कि सर उठाकर अपने रब से ना मिलने वाली नेमतों का तकाजा करो, पहले अपने सर को झुकाकर उन नेमतों का शुक्र तो अदा कर दो जिनसे तुम मुस्तफीद हो. ये सुने, ये हर जुमला जो है ना, ये आपको सारी जिंदगी के लिए, आज आप इस जर्नी में शामिल हो चुके हैं, सच्चाई के जर्नी में. Say yes to integrity and no to corruption. ऐसी गुर्बत, ये अपने हस्बैंड को कह देना शादी वाले दिन, ये बात भी समझा देना. ऐसी गुर्बत पर सबर करना जिसमें इज्जत महफूज हो, इस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो. आपको पता है नैप के अंदर कितने लोगों के केसेस आए हैं? रोज आते हैं. इज्जत से आगे कुछ नहीं है. लेटेस्ट मोबाइल, 2 लाख का जूता, 2 लाख का पर्स, और इज्जत ही नहीं है. आप किसी को मुंह नहीं दिखा सकते. असल चीज ये है, आपने जिंदगी में क्या कोशिश करनी है, मेरी लाइफ का क्या मकसद है. माई डॉटर इज एन एडवोकेट. मेरी बेटी जो है, मैं जिंदगी में ये कोशिश की जब वो पैदा हुई कि मेरी बेटी की वो रोल मॉडल होगी. देखिए, हम अपनी माँ से, बाप से हर एक मोहब्बत करता है, इसमें कोई शक नहीं. ये अल्लाह ने हमारे अंदर एक गैजेट फिट कर दी है जिस वजह से कोई हमें रोक ही नहीं सकता अपने माँ बाप से मोहब्बत करने से, अपने बहन भाइयों से. लेकिन ये बात हम अपने बच्चों पे फोर्स नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे जो है वो दिल से कहें कि हमारा रोल मॉडल हमारी माँ है, हमारा रोल मॉडल हमारा फादर है. वो आपने अपने एक्शन से करना है. आपने अपने अपनी लाइफस्टाइल से बच्चों को दिखाना है कि आपका बच्चा तन्हाई में, अकेले में सोचे कि मेरी माँ से अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं. और वो आप जब उनको दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी औलाद दुनिया का अच्छा इंसान ना बने. आप जब उनको ये बताएंगे कि हमने दौलत से मोहब्बत नहीं करनी, हमने अल्लाह को खुश रखने से मोहब्बत करनी है, हमने सच्चाई से मोहब्बत करनी है, हमने अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पे चलने से मोहब्बत करनी है, तो वो बच्चे हो ही नहीं सकता कि गलत रास्ते पे जाए. ये मेरा ईमान है और ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है. एंड होल्ड फर्मली टू द
Allah all together and do not become divided. Now this is a masterpiece, my dear girls. Kisi ne ek darvesh se pucha, duniya mein sab dukhi kyun hain? Darvesh ne hans kar jawab diya, khushiyan sab ke paas hain. Bas ek ki khushi dusre ka dard ban jati hai. Sirf paise ka hona hi rizq nahi hai, my dear girls. Sirf paise ka hona hi rizq nahi hai. Nek aulaad, achha akhlaq aur mukhlis dost bhi behtareen rizq mein shamil hai. This should be your aim. बहुत सीरियस टॉक हो गई और आप लोगों को मैंने दर्श भी दे दिया और मुझे यकीन है कि आप आपके चेहरों से लग रहा है कि इंशाल्लाह आज एक तारीखी दिन है. टुडे हिस्ट्री हैज बीन मेड. छोटी सी बात पहले बता दूं कि जो बातें इंसान के दिमाग में बार बार ठोकी जाती है, बार बार हैमर की जाती हैं, वही बातें उसकी आदत बन जाती हैं. मैं एक बड़ा ही बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल देती हूँ. जब मैं छोटी थी तो मेरी वालदा अक्सर मुझे खाकर, मैं टेनिस की चैम्पियन थी, वो तो आपकी फ्रेंड ने आपको बताया, तो हर वक्त टेनिस खेल रहे हैं, पसीने में आ रहा है, और तो मेरी वालदा मुझे अक्सर ये बात बार बार बोलती थी, बेटा वॉश योर फेस, वॉश योर फेस, पानी पे छट्टा मारे, मुंह धोए साबुन से, मुंह धोए हाथ धोए, मुंह धोए हाथ, वो एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है. हाथ धोए, मेरे फादर है वो हमेशा कहते थे बेटा खाने से पहले हाथ जरूर धोया करें. खाने के टेबल पर बैठते थे फ़ौरन उठा के बात जाए पहले हाथ धो के आए. तो वो एक अभी भी मेरी लाइफ में एक इंग्रेव हो गई है वो हैबिट कि जी हाथ धोना है खाने से पहले. तो अब आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने एक पोस्टल स्टैम्प बनाया है से नो टू करप्शन उस पर लिखा. उसके बाद पाकिस्तान के जितने मेले एनवेलोप्स हैं उनके ऊपर लिखा जाएगा, पिछले दो महीने से ये सिलसिला शुरू हो गया है, से नो टू करप्शन. फ्रेंड को खत लिखेंगी तो उस लिफाफे पे लिखा होगा ये मैसेज. उसके बाद पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का पहला मुल्क है और इंशाल्लाह जब आपके भी ड्राइविंग लाइसेंसेस बनेंगे से नो टू करप्शन लिखा. कुछ अरसे पहले पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने एक बहुत बड़ी वॉक मुनक्किद की. उस वॉक में सदर पाकिस्तान, जो कि सुने पिछले हफ्ते आपके यूनिवर्सिटी भी आए थे, ममनून हुसैन, उन्होंने ये देखे जॉगर पहने हुए, ये आपको पाकिस्तान ने ये वॉक को लीड किया और दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक में हमारे नेबरिंग इंडिया में ये तस्वीर छपी और उन्होंने कहा कि ये क्या बात होगी कि पाकिस्तान में हर जगह से नो टू करप्शन हो रहा है. आज उनके सदर साहब भी सड़कों पे आ गए तो बाकी मुल्क क्या करें. माय डियर गर्ल्स, कुछ अर्से पहले एक आइडिया ये आया कि भाई क्या करें, कोई ऐसा कारनामा करें, कोई ऐसा काम करें कि पाकिस्तान का बच्चा बूढ़ा जवान उसकी ज़ुबान पे ये जुमला आ जाए, उनको पता चल जाए से नो टू करप्शन कोई मुहिम है जो चली हुई है. हम क्रिकेट के दीवाना नेशन है, वी आर अ क्रिकेट क्रेजी नेशन, वी लव क्रिकेट, वी लव आर क्रिकेटर्स. तो फिर हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहा आओ आप भी इस जंग में शामिल हो जाओ. पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की पहली स्पोर्ट्स टीम है जिसने से नो टू करप्शन का मैसेज पूरी दुनिया में फैलाया. दुनिया के क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के हर अखबार के फ्रंट पेज पे आई और उन्होंने अपने स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के ऊपर तंकीद की कि ये क्यों हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फर्स्ट आ गई है से नो टू करप्शन, तो पूरी दुनिया का मसला है, तो हमारे खिलाड़ियों ने क्यों नहीं ये कदम उठाया. तो ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया. हॉकी टीम पाकिस्तान की नेशनल गेम है हॉकी टीम. हमने कहा क्रिकेट के बाद हॉकी क्यों पीछे रहे, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर ये पैगाम पहुँचाना है, गाँव में देहातों में ये पैगाम पहुंचाना है. तो हॉकी टीम को कहा आओ भाइयों आप भी खड़े हो जाओ, आप भी जंग में शामिल हो, आप भी बैनर पकड़ के खड़े हो जाओ से नो टू करप्शन. माय डियर गर्ल्स, अभी आज इस तकरीब के एंड में आपके साथ ही पिक्चर खींचेंगे से नो टू करप्शन और आपने उस तस्वीर को वायरल करना है, आपने उस तस्वीर को वायरल कर देना है कि आप अपने लेवल पर जितना हो सके इस पैगाम को पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में एटलीस्ट फैला दें. माई डियर गर्ल्स,
कुछ अरसे पहले पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने एक स्टोरी बुक बनाई है, गोगी सेज नो टू करप्शन। इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये आर्ची कॉमिक्स का सुना है आपने, आर्ची इस तरह जैसे अमेरिका बना दे, आर्ची सेज नो टू करप्शन। तो गोगी कैरेक्टर जो है, छोटे से हम थे तो गोगी पढ़ते थे, तो आइडिया आया कि क्या करें कि हर पाकिस्तान का बच्चा जो है वो करप्शन के लफ्ज़ से नफरत करने लग जाए और वो कहे कि मैं अपनी माँ को इस बीमारी से निकालूंगा, मैं डॉक्टर का किरदार अदा करूंगा। तो मकसद ये था कि पाकिस्तानी चिल्ड्रन स्टार्ट डिस्पाइसिंग द एक्ट ऑफ करप्शन फ्रॉम चाइल्डहुड। इसकी हमने ये स्टोरी बुक बनाई है, हमने पाकिस्तान के सारे स्कूलों में ये स्टोरी बुक भेज दी है। इसका मकसद ये है कि हर माँ अपने बच्चे को, और आप जब इंशाल्लाह मदर्स बनेंगी, आपने भी ये किताब जो है अपने बच्चों को सोने से पहले सुनानी है और कहना है कि माई डियर सन, माई डियर डॉटर, पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड करप्शन। You will grow up and become a doctor to save Pakistan from this disease called corruption. And we say no to corruption for the rest of your life. Coloring book. Pakistan is the duniya ka phir sare fairest mulk hai jisne bachchon ke liye coloring book banayi hai. Say no to corruption. Har page ke upar ek sketch hai. इसको नफ्सियाती तौर पे हमने हैंडल किया है, साइकोलॉजिकल तौर पे। बच्चा जो जो हर पेज को कलर करेगा उसके अंदर ये अब्सॉर्ब होने लग जाएगा, साइकोलॉजिकली अब्सॉर्ब होगा। मेरा जो नेफ्यू है जो 4 साल का है, उसको पिछले दिनों कराची जाना हुआ तो मैंने उसको वो कलरिंग बुक दे दी, कुछ नहीं बोला कि करप्शन करो ना करो से नो। 4 साल का बच्चा था, ईद वाला दिन था, बच्चे ने वो सारा दिन बैठ के कुछ 10-20 उसमें पेजेस हैं। मेरे नेफ्यू ने सुबह उस कलरिंग बुक को शुरू किया और रात गए तक वो पेजेस कलर करता रहा। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगले दिन सुबह जब मैं उठ के नीचे आई तो मेरा नेफ्यू 4 साल का है, वो मुझे कहता है आलिया फूफू से नो टू करप्शन, से नो टू करप्शन। उसके बाद मेरा 2 साल का एक और नेफ्यू है, मैंने उसके हाथ में भी, वो बोल भी नहीं सकता, वो 2 साल का जो है वो सब कहता है वॉट, पानी बोलता है पानी दे दो और पक्खा बस को 2 लफ्ज़ आते हैं। मैंने कहा इस पे आजमाते हैं। मैंने अगले दिन अपने 2 साल के नेफ्यू को कलरिंग बुक दे दी, दे के फिर हम बाजार चले गए। मैंने कहा बेटा ले लो, मैंने कहा वापस आऊँगी, वो फाड़ के फेंक चुका होगा डस्टबिन में। जब मैं वापस आई तो उसने किसी ना किसी तरह कलर तो किया था, लेकिन मुझे देख के कहता है फूफू करप्शन मना। उसने अपनी वालदा से कहीं पूछा है तो उसको कुछ समझ आई है तो कहता है फूफू करप्शन मना मना, और वो छुप जाता था। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो कलरिंग बुक है इसको बच्चा जू जू कलर करेगा, साइकोलॉजिकली उसके ऊपर ये इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं होता, उसके अंदर स्केचेस बने हैं जिसमें हर स्केच के ऊपर हमने दिखाया है कि किस तरह से करप्शन हमारे मुल्क को बर्बाद करे। माय डियर गर्ल्स, एक और बड़ी खुशी की और फख्र की बात है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का पहला मुल्क है जिसके बिजली के बिलों पर, गैस के बिलों पर लिखा हुआ है से नो टू करप्शन। मंडी भाउद्दीन में आए, चाहे लकी मरवत में आए, चाहे सियालकोट में, चाहे कराची में, हर बिजली और गैस के बिल पे लिखा होता है से नो टू करप्शन। और ये दूसरे यूटिलिटी बिल्स हैं एनटीसी और लैंडलाइन टेलीफोन नंबर्स पीटीसीएल के, उन पे भी से नो टू करप्शन। और ये देखिए, ये तो तारीफ रकम हो गई है पूरी दुनिया में। अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात हुई कुछ अर्से पहले, वो हैरान हुआ हुआ था कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, कि ये समझ नहीं आ रही ये लैंडमार्क्स। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का पहला मुल्क है जिसकी एटीएम मशीन पे जब पैसे निकालने जाओगे तो आपको ये पैगाम मिलेगा से नो टू करप्शन। गर्ल्स, इस मैसेज को हैमर करने की जरूरत है। अभी मैं आपको आगे भी बहुत से कारनामे दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। अब आप दिल में सोच तो रहे होंगे ना कि ये बाजी आई है, आपा आई है, आंटी आई है, ये हमें क्या सिखा रही है से नो टू करप्शन, से नो टू करप्शन। और अभी आपको टाइम लगेगा यकीन करने में, मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो कि भी से नो टू करप्शन करने से ही करप्शन खत्म होगी। तो मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। काफ़ी लोग जो है कभी कभी मुझसे तनकीद भी करते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैडम ये क्या बात हुई, से नो टू करप्शन करने से तो करप्शन ही खत्म होगी। तो मेरी लाइफ में एक वाकया हुआ है जो आप बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि असल काम जो मेरा है आज का दिन मैंने आप लोगों को कन्विंस करके जाना है, क्योंकि मैंने 200 वॉरियर्स को तैयार करना है, क्योंकि इन दो मैं तो चली जाऊंगी थोड़ी देर के बाद, फिर ये जंग आपकी हुई, आपने इस जंग को लड़ना है। ठीक है जी,
तो वाक्य कुछ ऐसा है कि आपकी फ्रेंड ने आपको कुछ देर पहले बताया कि मैं एक स्पोर्ट्स वूमन थी, आपने बताया, तो बिल्कुल सही है कि मैं वंस अपॉन अ टाइम, अब तो मेरी उम्र तकरीबन 50 साल की लगभग हो गई है, तो मैं कोई 25 साल की उम्र तक एक वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर थी। वो आदत जो है वो मेरे अंदर अभी तक है कि एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, तो चाहे रेन और सनशाइन, आजकल दफ्तर में भी बहुत देर कई दफ़ा हो जाती है, लेकिन मैं वॉक करने ज़रूर जाती हूँ। वर्जिश मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, आप भी ज़रूर वॉक आधा घंटा किया करें। तो इसी तरह डेली रूटीन बनी हुई है। तो कोई 2 साल पहले इसी तरह एक रूटीन थी, तो मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गई वॉक करने के लिए। जब वॉक करने के लिए वहाँ पहुँची, तो अक्सर ये होता है कि कभी असर की अजान वहाँ हो जाती है अगर सर्दियाँ हो तो, और मगरिब की अक्सर अजान हो जाती है। तो रूटीन ये होती है कि जी वॉक थोड़ी देर रोक ली, और गाड़ी के अंदर जानमाज होती है, वो जानमाज निकाली और जो साइड पे जगह मिली साफ सुथरी वहाँ पे नमाज पढ़ ली। उस दिन भी कोई इसी तरह का दिन था कि मैं वॉक कर रही थी, जब अजान हुई तो मैंने सोचा कि चलो पहले नमाज पढ़ लेते हैं फिर वॉक कर लेंगे। लेकिन जो मैं अपनी कार की तरफ चलते हुए जा रही थी कि जानमाज निकालूँ, तो मैंने देखा कि 4 लड़के, उनकी उम्र होगी कोई 15-16 ईयर्स के, 4 लड़के थे, वो आपस में बहुत बुरी तरह लड़ाई कर रहे थे, बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे एक दूसरे को। एक लड़का था उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसकी ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, और दूसरा लड़का था वो उसका एक उसके हाथ में ईंट थी कि अभी उसको और ज़्यादा मारना है, और वो बहुत जुनून में थे और उनकी लड़ाई अपने अरूज पे थी। और मुझे ये फिक्र, 2 चीज़ों की फिक्र थी, एक ये कि इन बच्चों को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो इनकी वालदा को पता चलेगा कि बच्चे क्या करें आपस में, दूसरा ये कि जब मैंने जानमाज लगाई और नियत बांधी तो मुझे खुद डर बैठ गया, मुझे डर लगने लग गया कि कहीं किसी बच्चे की ईंट ना मेरे सर पे लग जाए। अभी इसी कैफियत में मैंने अल्लाह अकबर और शुरू किया, तो क्या देखती हूँ कि सन्नाटा हो गया। अभी सन्नाटा हो गया तो अभी सोचो एक लम्हे के लिए कि वो लड़ाई अपने पीक पे थी, उन बच्चों को कोई समझ ही नहीं आ रही थी, इस जुनून की कैफियत में वो थे। लेकिन जब मैं खड़ी होती हूँ, लड़कों की मोटरसाइकिल मेरे साथ ही थे, लेकिन खड़े होते ही मेरे सन्नाटा हो गया, और मैंने क्या आवाज़ अपने कान में सुनी, मैंने सुना कि एक लड़का दूसरे लड़के को कहता है, ओए यार रुक जाओ, आंटी नमाज पढ़ रही है, सामने से ना गुजरना। वो लम्हा था लम्हा अवेकनिंग, इट वॉज अ मोमेंट ऑफ अवेकनिंग फॉर मी। मैंने सोचा कि इन बच्चों को बचपन से इनकी माँ ने, नानियों ने, दादियों ने बार बार ये नहीं ठोका था, बार बार ये हैमर नहीं किया था कि कभी अजान हो तो सब काम छोड़ के नमाज पढ़ना। बार बार एक पैगाम जो उनके दिमाग में नानियों ने, दादियों ने ठोका था, वो ये था कि कोई नमाज पढ़ा हो तो उसके सामने से ना गुजरना। मैंने फिर उस दिन अपने आप से वादा किया कि आज के बाद हर पाकिस्तानी को बार बार ये मैसेज हैमर करना है, से नो टू करप्शन। कल को यही बच्चा अपने दूसरे दोस्त को कहेगा, ओ यार से नो टू करप्शन, पाकिस्तान हमारी माँ है, मर जाए। उनके ऊपर इंग्लिश और उर्दू में लिखा आता है से नो टू करप्शन, और उर्दू में लिखा आता है करप्शन से इनकार करें। ये फिर दुनिया में तारीफ रकम हुई है, दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसके एयरपोर्ट पे ये मैसेज जो है 24/7 चल रहा है। उसके बाद आज है जी, हम रेलवे टिकट्स को क्यों पीछे छोड़े। हमारी आवाम तो रेलवे से सफर करती है, जहाजों में तो नहीं सफर करती। तो हमने सोचा कि आम आदमी तक ये पैगाम कैसे पहुंचाया जाए, तो हमने फिर रेलवे इस वालों से रिक्वेस्ट की कि जितने पाकिस्तान के रेलवे टिकट हैं उनके ऊपर लिखते हैं से नो टू करप्शन। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसके रेलवे टिकट्स पे लिखा है ये मैसेज। ये आप सबके लिए बहुत फख्र की बात है, एज पाकिस्तानी इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। उसके बाद सिनेमा घरों में आ जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसके सिनेमा घरों में जब आप पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर तो देखी होगी, एक्टर इन लॉ आई थी पिछले दिनों, आप लोग शायद गए हो देखने, बड़ी अच्छी पाकिस्तानियों ने सबक आपको उस फिल्म बनाई है। तो पिक्चर देखने जब आप जाएंगे तो पिक्चर देखने से पहले ये मैसेज आपको मिलेगा। ये पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ पे पिक्चर देखने से पहले ये मैसेज फ्लैश होता है से नो टू करप्शन। और एक गाना जो आपको हम आखिर में फिर सुनाएंगे, गाना है से नो टू करप्शन, वो गाना भी चलता है। आपने यकीनन ये मैसेज देखा होगा सिनेमा में। उसके बाद जो आईडी कार्ड का कैरियर पेपर है,
जब कोई आईडी कार्ड बनाकर उसके कैरियर पेपर पे लिखा होता है से नो टू करप्शन, उसके बाद हमने काफ़ी न्यूज़पेपर्स को कहा, जितने पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स थे उनको कहा कि भाई आओ आप भी इस जंग में शामिल हो जाओ और आप अपने हर अखबार के सामने लिख दो से नो टू करप्शन। बलूचिस्तान से कोई लड़की है हमारे पास यहाँ, तो बलूचिस्तान इस वक्त फर्स्ट आ गया है। बलूचिस्तान के जितने अखबार हैं उन्होंने अपने फ्रंट पेज पे लिखना शुरू कर दिया है से नो टू करप्शन। ये बलूचिस्तान एक्सप्रेस आपके सामने है और अब हम आ जाते हैं, ये आप हैं, ये आपकी पिछले साल जब मैं आई थी मैडम के साथ है, ये वुमन पावर जिस वजह से आज आई हूँ मैं यहाँ, वुमन पावर अगेंस्ट करप्शन विल एंड कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ आर कंट्री माय डियर गर्ल्स एंड यू आर गोइंग टू बी दैट पावर। डोंट अंडरएस्टिमेट योर पावर, यू विल डू इट। यू हैव टू प्रिवेंट योर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन करप्शन एंड नेवर एवर लेट योर चाइल्ड इवन थिंक ऑफ दिस वर्ड एंड द सेम मैसेज फॉर योर फ्यूचर हस्बैंड्स। ये इस तरह की तस्वीर मैं अभी आप लोगों के साथ भी खींचूंगी और ये तस्वीर फिर इंशाल्लाह हम वायरल करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ बिट ऑफ एन इनसाइट अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज। आज जब मैं चली जाऊं तो आप सब भी एक कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी बना लें और आप सब मिलके जो है एक एक कमेटी बनाएं जिसके अंदर आप ये फैसला करें, वेज एंड मीन्स सोचें कि हमने कैसे पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा करना है और रेगुलर बेसिस पे अपने यूनिवर्सिटी में एक्टिविटीज करनी शुरू करें। Character building societies have been established in educational institutions all over the country for sensitizing